ਸਹਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਜਨੀ ਟੱਪਣ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਸਮਝਾ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ ਹਾਂ ਸਾਰ ਦਾ ਲੜਲੀ ਗਾਲ ਮ ਖੜੇ ਰਾ ਅੱਛਾ ਤੋ ਕਦੇ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਅਰੇ ਬੇਟਾ ਔਰ ਤੇ ਕਿਰਾ ਕਹਿਣ ਛੁਟਾਵਾ ਹਾਂ ਥੋੜ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜਮਾਨੂ ਗਿਰ ਲਿਆ ਅੱਡਾ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇ ਹੈ ਸਭ ਹੁੰਡਾ ਕੰਮ ਰੇ ਅੜ ਤੋ ਇੱਕ ਬੋਲ ਪੜੇਗਾ ਕਿਰਾ ਕਿਤਨੇ ਕਾ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾ ਗੱਲਾ ਉਸ ਤੇ ਘਣਾ ਰੋਸ ਤੇ ਘਣਾ 5 ਸਾਲ ਕਾ ਇਹ ਤੋੜ ਗਾ ਬਰੇ ਰਤਨ ਗਿਰ ਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜੋ ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਬੇਟਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਲੈ ਕਾ ਕੁਆ ਲਿਆ ਪੰਤ ਇਸਾ ਪਿਆ ਵਾ ਖੇਤ ਬਤਾਇਆ ਰੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਧੰਨਵਾਦ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਕੀ ਖਾਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਆਪਨੇ हाँ बेटा इतना टाइम हो लिया अपना तो इतना पियो आप बता रहे सारे राम राम भाई सारे ने भाई आज मैं आपको मिलाएंगे कमलेश आंटी जी से भाई इनसे बात करने वाले हैं भाई खेती के बारे में क्या सीन चल रहा है कमाई है क्या नहीं है और भाई कितनी भैंसे रखते हैं एक प्रॉपर भाई इनका अनुभव जानेंगे कि इन खेती में मतलब कैसा फील हुआ और काफ़ी साल हो गए भाई मतलब कि भाई ये भैंसों काम करते हुए भाई इनमें भी भाई बात करेंगे कमाई है क्या नहीं है और भाई इस गांव में ये रह रहे हैं कोई गांव की समस्या है क्या नहीं है वो भी हम इनसे बात करेंगे तो मिलते हैं इनसे राम राम आंटी जी कमलेश कमलेश कहाँ से हो देवपुरा अच्छा क्या बात कितने किले खेती करे 300 बेटा वैसे अच्छा किवे बने थे इसमें आपके के बना है इसमें तो गरते लायक है के बना है ये पानी चढ़ा खड़ा है पीड़े क्यों है खड़े हैं अच्छा तो पानी कमी कारण नहीं बन रहे क्या पैसे हां पानी है जाए तो कौन बन देगा हां पानी अब बोलो गया ना दाना ही धरती है अरे पानी हो गया आराम बरस गया अच्छा पीड़े हो गया मतलब जल्दी है पानी है नीचे जमीन में हां ऊपर पानी है जमा अच्छा जमाने पानी मत काट के लिया अरे हां सुनता हूं क्या कर रहे हो हां एक आजकल खेती में क्या सीन चल रहा है के चल रहा है बेटा कि मैं के चल रहा है तो बेरने माटी करे हैं खेती की तो हैं क्या दे और के आनी जानी अब तो के में नहीं है घर ते लागा है जो अरे मैं से रख लिया तो अब अच्छा 4-2 हजार की बोरी आओ कितना दूध दे देंगी बिंदोला की है तो क्यों मां का तनी अपना तोड़ी कर क्यों जा दाने हो जा यो चल रहा है और बरसिया तो दाने उन तोड़ियो कुछ नहीं बोल बाले करा बैठ जा भाई अच्छा हां कमाई कौन रही खेत कमाई नहीं रही बेटा समारी फिर देश के खाओ अगर आपने खेती करना बंद कर दिया तो बेटा ये भाई इस आड़ तो इस एरिया में तो पानी अबल से है हां हैं ये भी इसमें के कमा हां पापा ने देख से ये बोलो ना खुल के बोलना बेटा इसमें कोई शर्म को नहीं व्यापार कर जब तो अरे तो दो राखा एक थी दो कर ली बता बेटा न्यू बताई भी सा वो आ सा 3 किले खेती में तो बता दी 3 किले उनकी मैं तो हरा सारा हम ही हूं से अरे और बरसिया तो उसकी बिटाल से मारे अच्छा हां पीले खड़े हल्दी जोंगे हूं अच्छा क्यों पानी आता ऊपर से आ रहा जोवा अच्छा आप खेती में कद बढ़ गए थे खेती में कद आ गए थे आप की उम्र थी उस टाइम पाप की ए बेटा हम तो खेती वाले के बैठे खेती उम्र थी गले खेती कर दे पाए थे खेती करा हां अच्छा जब के फादर साहब थे जब उस टाइम पापा अपना घर थे पापा घर वो भी पापा घर है हां उस टाइम पापा कितने के लिए खेती कराया करते दे भाई हम तो पहले तो करया कर दे कोई है करया कर दे अच्छे आधा पदा की 10-11 कर लेंदे अरे तो घने साल है अपने 3 किले करा हां और भाई ने फिर हम ही ना तो मार पापन दी सी नाम करते देख इसमें के जब बाढ़ थे नहीं हाँ। उस टाइम खेती में और आज खेती में कितना फर्क है रहा है अरे जब तो आंधनी बतेरी हो जांदी ना तो इतने स्प्रे थे ना खाद थे अच्छा और ना इतना पानी था अब तो पानी की मार घनी होगी
तो पानी तो पान टेक दे थोड़ा पानी आओ इतना तो आओ पूरा रहे जो तो मोटी धरती थी वो तेरी पैदा आया करती अरे तो कोई नहीं भाई एक नु बताओ उस टाइम पे खान पीन के आया करता और आज कल दिमाग गंद हो रहा है तो आप के खाया करते के पिया बताओ बदरे के रोटर लासी खा लेंदे चने साग की चटनी मोज मार दे अच्छा गंडा चूस लेंदे ई के ऐसे है अच्छा ई तो पी ले चा सारा दिन अच्छा कि मामा ने उस समय कौन देखा जो आप वाला है कि भाई मारा समय में तो जो आज के लिए फास्ट फूड खावा बर्गर पिज्जे खावा है हाँ। तो उस टाइम मारा बताओ कि मामा ने अगर कोई देखता है वीडियो नहीं हाँ। तो उसने मेरा पता है उस टाइम भाई अपने जो मतलब माँ बाबू आया करते जो अपने तो ये खाना खाया करते तो बताओ मतलब उसके बारे में हाँ बेटा खाया कर दे अच्छी दही खिचड़ी लस्सी ऐसे बाजरे के रोटे मेसे रोटे नेरे चने आया कर दे है इब जानो हो किसी चने और क्यों कर बो मेरा तुमने इसके कंदुआ के वो काटा कर दे पूरे डाले उस पर बैठ बैठ सारा दिन घाटे गाई जाते बेरात कौन तुमने और फिर टांगलिया तो बरसाई जाते खूब दाड़ी भरे बेटा सारे मकल कटे हाथ सानी काटा कर दे हाथ आला गंडा सत कड़े बिजली थी ये तो ही भाई है बिजली 66 साल की हो रही मां अच्छा हां तो हाथ तक काटा कर दे हाथ तक काटा कर दे अच्छा क्या बात तो वो उसमें बढ़िया था कि आपके साथ कई वो बढ़िया है अरे ये तो कुछ भी कोई नहीं तो रेस मारन दा जब तो हाथ सानी काट दे हाथ पीस दे तो गात भी ठीक रंदा ही गोड्या में बैठा जान उठा जा है अच्छा है ना ताई भी से मिल गई बेटा भी मतलब भाई वो एक तो खान पीन कौन रहा है खान पीन का सा बेटा फर्क है पहले तो देखे अच्छी तो दही ना खिचड़ी एक भाई घी टिंडी का घी सा ये तो के है एक सार दिन कोई आ गया दे दे चाको गले ने पी ले तो फर्क तो सही है उसमें खान पीन में भी नया फर्क है हाँ एक नु बताओ जो करीब जो आज का जो दूध दे वाली भैंस उसमें भी भाई घना फर्क है पहली गड़ा पे घना है किस कारण तेरे रहे अरे नेरे चने गिरा कर दे बरे रंदा सने आता हलर गद मारे मस का के देवेगी दूध भी अच्छा रगी भी है अच्छा सने फर्क अरे दाल कडी कौन चना अच्छा है ना इतने सपरे थे तो फिर फर्क ता होएगा भी अच्छा एक नु बताओ गवर्नमेंट की में करे सरकार आप खेतर आम आदमी खेतर किसान में खेतर आपने के लग है आप खेतर की में करे गवर्नमेंट के करे बेटा ई माम तो बता मन तो बेरन के में नहीं कर दी मन तो नहीं लगा नहीं आंडा तो अच्छा तो के करे भी एक रिंग टाव लग गया ना आमी खेती पड़ पड़ बूढ़े हो गए हैं ई के करे मार खातिर तो जन कुछ नहीं अच्छा तो के करे भी देख ले तो ये के एक नंबर तो रह गया ले रख दिया सारा हैंड लिए फिर लिए रे हम तो रह गए नहीं मारी ओट की तो न जान कुछ नहीं ई बाबे बैठे दे रहे आपने बोले भाई आपका जो बेटा है उसे 30 बंदे नौकरी लग गए तो वो सिखा कर हां और आपका बेटा कौन लग गया हां वो कौन लग गया किस्मत कारण के नु कोई चीज रह गया ई बेरन भाई कोई तो नहीं को देख किस्मत रहेगी कोई नु का सा सिफारिश कौन थी कोई नु का पीछे कौन दिए चेक क्यों करे रह गया भाई तो चेक में कर तो आप बेटा सरकारी नौकरी का ट्राई कर रहा है खूब सुन मैं नु आई कि जो सरकारी नौकरी जो ट्राई कर रहे हैं नहीं कोई भी ग्रुप डी का कुछ भी हो गया ग्रुप ए भी हो गया उसने पीछे दे देने पड़े इस बात में दम है पीछे देने पड़ेगी कनु लग जा मैंने बेरन भाई नु का पीछे कौन दिए तुम न जात कौन लग गया कि नु कह दे मन के बेरा इतना मन नहीं कोन बेरा बेटा अनपढ़ सा जमा उठा टेक सारे हड भी खुल जा कर दे को नहीं। अच्छा। ट्रैक्टर आपको दूर है? ना कुछ नहीं बेटा अपना तो खोले है अरे अड़सी साइकिल खड़ा देता होगा अच्छा हाँ तो फिर खेती मतलब फिर बड़द रखो ना ट्रैक्टर तो कराम दाड़ी पे ओ ट्रैक्टर वाला ट्रेली वाला गेहूं गेर जा अपने भीतर गेर लिया फिर रोटी कुकर लेके आओ साइकिल पे रोटी छोटना का है उसके लिए आना साइकिल पे लिया तरता हूं एक ही लिया ने फिर अच्छा है फिर साइकिल पे फिर तुम घणी मत काम करो आवे और के करा भाई ने बताई बडांग रखा तो करनी पड़ेगी तो है अच्छा हां क्या बात है भाई देखो ऐसे गोसी हालात और एक जो करे उस टाइम पर तो बड़ते खेती होया करती है जब तो दो बड़द रखा कर दे भाई यार पूरी रड़ रड़ सब ट्रैक्टर है तो के कहना चाहो मतलब कि बड़ते बढ़िया कर देगा ट्रैक्टर तो बढ़िया आ रहा है
अरे बड़द के खुरा खा करते बड़द के ये लांदे भाई चून लाए दिया रे ला दिया और के बड़द ने दाना गिरती और के खुरा खा करती आई तो अपना चूना रिया कच्चा फीका चाट से और के है पहले तो गेरा कर दे सा खाने भी आ करता खूब हां इब को नहीं सा इब तो गया दाने गिर दे बस हो जाए दाना टाल से अच्छा और के तो सिर से मुंदी नहीं आड़ा चना होता नहीं तो फिर के गेरा मोल कर लिया कि तो वो तो खा जाए वो तो महंगे चने भी आज ये भैंस कितनी रुपए की आम आप कितने पिछाड़ी भैंस कितने रुपए की होंगी अरे भाई वो तो 4-5 रुपए बैली करा उसका तो मन बेरन कितने से अरे आई से 90 की 90,000 की हाँ अच्छा हाँ पूरी महंगी आने लगी पहले तो कहे कि मैं फर्क करेगा पैसा में फिर अभी महंगी आऊँ खूब मस्त तो देख ले के मुंडी सी से मेरा बरगी 90 कह रही है के यार ना आप तो बड़े सुंदर मुंडी थी तू कितने अच्छा ये 90,000 कह रही हाँ अरे कितना दूध दे भैया दूध तो भाई तो रह रहे 8-7 ना 10-12 किलो दूध तो तैयार था 8-7 दे पूरे दिन में हाँ अच्छा 90,000 की भैंस है री देखो भाई हाँ भाई इतनी मेहनत करनी पड़े घर पालन खातिर आंटी जी देखो कितनी मेहनत करने लग रही है ए बेटा पूछे ना 5 बजे उठे हाँ अन्य ने मेरा ही बेर है लेके गए रही बे काटेंगे दोनों ससुर सार दिन लटा पीने रहे के कितने तो 5 बजे उठा और फिर सो गई थे सवा तो 9 बजे 10 बजे भाई लाग जा एक आधा नाटक देखने इसमें के इस सारा दिन धंधा करके गादी में देखने से ही आराम भी करना चाहिए हाँ अच्छा तो आपने मतलब 40-60 साल हो गए रोज 5 बजे उठ दूरी यो एक काम कर दूरी हाँ बेटा हो गए अच्छा कदम लग यार खेती तो चल बेच बाज के चल हो यार निफ्राम यार बस और कुनों दी इतनी खेती ना रे खेती बिना करा के बालकान की कुर पालांगे हैं ये वो प्राइवेट ना 10-12 ठाम बताओ उसमें क्यों हैं इतना मैं देख ले भाई ये तो अच्छा एक आजकल के जो नौजवान है नी आंटी जी वे के कहो है कि यार भाई माम तो नहीं बाबू खेती कौन करते खेत ने बेचे दे शहर में रहने लग जा तो आप के विचार ना भाई हम तो कम मरांगे को शहर में जाना ना जिला गए बेच दे कि कर दा दलाई जमीन सब बेच दे हम करा के फिर ना कि नौजवान आजकल का ना ना तो नौजवान ना बेचन जा ना भाई हम तो खेत में राज्य है अपना हम कोई नहीं अच्छा हां आपने के लगा मतलब इतने सारे खेती कर पाऊंगी ले भाई चल नहीं तो कराएंगे हम तो न्यूज हो रही है आज टूट जाए जब रह जाएंगे अपना कर लेंगे देख लेंगे आर इतना तो चल नहीं था तो छोड़ा कौन खेती अच्छा जीरी हो जाए दान गेहूं हो जाए हैं जरा आम तो बरसिया तो गेहूं में रह जाएंगे ना बरसिया तो बाद दाने हो जाएंगे यूस अच्छा एक नू भी है नी ये जो करीब आज कल आप गणा घी खेल रहे नहीं जो करीब आपकी उम्र हो भाई भाई घी ना खाओ दूध ना पियो गणा इस बारे में आप क्या विचार है कि जो भाई पहले वाले बुढ़े आया करते हैं बिना रा घी खा करते और 100-100 साल तक जिया करते हैं राज आड़े तो उसी में जय श्री राम हो जाए आए मैं टाइम नहीं करते हैं बीपी हो गया घी ना खाइए हार्ट फेल हो जाएगा ना खाइए अच्छा है ये उठता सा को नहीं बाले बखाना पीना है ये पलड़ता सा धंधा कर दिया अच्छा खांदे है अच्छा तो सही फर्क है तो यो खाना चाहिए फिर घी घी से पाउडर तो खा ले बेटा तारा भर के तो खा लेंगे गिलास भी पी लेंदे पूरा कुणवा होंदा मन करे दो बिठिया जांदा एक बिठिया जांदा बंदिया दे कोई तो याद कोई अच्छा पहले भाई बुढ़ा का राज होया करदा ई बापा का लर आपा को नहीं आकर दे बुढ़े एक पलिया गाल दिया तो उसमें सफर आ जंदा दो गाल दिया तो उसमें आ जंदा हाँ क्या बात अरे आजकल यार शर्म भी कुन रही तो क्या कहना चाहो इसके बारे में क्या की जो कर बाड़ा के बाबू ने कि मैं कह दिया मतलब नू भाईचारा कुन रहा के विचार आपके मतलब कुन रहा है कि है भाईचारा रखनी है तो सब भाई और सारे मलंग एक से कोनी ना सारी मिल के हैं आई वे कर तो ऐसा भाई बोल की उत्तर कौन देखा दम सिर में लठ मारा बाप पे ये बेरा पटा है बालका अच्छा तुम ती आप के कहना चाहो जो इसे बालक है उन तीनों का ठीक रहो अपने सुतरा माँ बाप ऐसे आ करो अच्छा क्या बात आखिरी जो आप इस गांव में रहो ठीक है इतना साल हो गया आपने इस गांव में
तो आपने रवि मार रहे हैं, कोई समस्या जो दूर होनी चाहिए आपके हिसाब तक, आपके गांव की कोई समस्या आपके गांव की जो गंभीर हो, जो दूर होनी चाहिए आपके हिसाब से, केवल आपकी वह समस्या दूर हो जाए। हाँ बेटा सारा दिन किसे नहीं टपन देंगे शायद कुत्ते समस्या दूर करोगे सारा दिन लड़ने की गाल में खड़े रहा। अच्छा तो कुछ दिन पैड़ है क्या आपके कुत्ते ने? अरे बेटा और तो किरा कहन छुटा हुआ थोड़ी देखो नहीं मोटरसाइकिल वाला तो जमाने गिर ले अड्डा तो जनु का है ऐसा भुंडा काम है अड़ तो एक बोल पड़ेगा किरा कितने का जाएंगे ये कुत्ते। हां गल्ला गल्ला ओ उस तक ना रोस्ते गना। अच्छा फिर गांव की बेकरता को नहीं कहते गांव ने का सरकार नाटा है बोले मारो ना दिए ती दवाई ना दिए ना पहले दवाई दे 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 मर जांदे गिर जांदे कितने दा बंदे ये सरकार नाटा है। मोटरसाइकिल एक छोटा बसड़ा खा रखा सारा खेत बताया रे सापने क्या धन्यवाद टाइम दिया आपने। हाँ बेटा इतना टाइम हो लिया अपना तो इच्छा पियो आप बता रहे सारे तो भाई ये भाई भाई आंटी जी थी जो मस्त मोला जो गया आपने भी देखी भाई कितना दर्द हो लेकिन हमेशा हंसना नहीं बोला भाई और हंसते हंसते अपना सारा दर्द भाई दूर कर देते हैं। तो भाई बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और भाई अगर आप इस गाँव से भाई देख रहे हो वीडियो तो इन कुत्ता की में समाधान करो मजाक की बात नहीं भाई लेकिन कभी हंसी में फांसी हो जाए अगर आपने मेरे आवाज़ सुनी होगी बात तो इसे कुछ बात है आप समझ जियो। तो भाई आपने क्या करना है वीडियो तक लाइक करना है शेयर करना है और आपके भाइयों क्या करना है आपने सब्सक्राइब करना है।